नमस्ते भैया। बोलिए। एक्चुअली एक्चुअली मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही, तो हाउ कैन आई गेट इट रीड फ्रॉम इट। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो आपको मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा पहले। नहीं वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोन्स हैं, उसकी ईएमआई देते देते हम फंस गए। हम लोग बचपन से बड़ा होता ही ऐसे इसलिए कि हम बड़ा होकर लोन का ईएमआई दे सकते है। अब हम लोग छोटा से बड़ा होता है एक खाब देख के कि हमको बड़ा होना है, हमको नौकरी करना है, हमको लोन का ईएमआई देना है, इसीलिए हम छोटा साल से ही क्या करते हैं, अपने सिविल को बड़ा संभाल के बड़ा होता है। सिविल को हम बड़ा करते हैं, जैसे से हम बड़ा होता है हमारा सिविल भी बड़ा होता है, उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं। उसके बाद वो सिविल दे के क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं। लोन लेके हम जब उसको पूरा पूरी दे देंगे, ईएमआई कंप्लीट करेंगे, फिर हमको दूसरा लोन मिलेगा ना। हाँ, तो आप एक बार में ही ऐसा लोन क्यों नहीं लेते जो आपका पूरा मतलब फाइनेंशियल स्टेबल होता है? क्या होता है, ऐसा होता है। देखिए, आपका आईटी फाइल लगेगा, ट्रेड लाइसेंस लगेगा और बिजनेस ही तो लगेगा, और तो कुछ नहीं लगेगा। और जिसके पास बिजनेस नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको बिजनेस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वरना उसको लोन नहीं मिलेगा। कैसे लोन मिलेगा? लोन लेने के लिए जो जो मेरे साथ ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है, हम तो ईएमआई देते रहे हैं, देते रहे हैं, आप लोग छोटा मोटा लोन लेते रहे हैं, इसलिए आपका जरूरत कभी कम मतलब पूरा नहीं हो पाया। हाँ, ठीक ठीक ठीक। आपको जितना जरूरत उतना एक साथ ले लेना है, तो क्या है, आपका जरूरत एक बार पूरा होगा, आप लोग बड़ा बिजनेस कर सकता है, फैक्ट्री कर सकता है, जिससे आप लोग क्या करते हैं कि एक मतलब फाइनेंशियल एक प्रोग्रेस के राह में आप बढ़ चुके हैं। छोटा छोटा लेंगे, सोचा ही नहीं है, छोटा छोटा लोन लेंगे और उसका 3 गुना ब्याज देके उसको कंप्लीट करेंगे, तो आपका ही फाइनेंशियल डेथ है। आपको तो प्रॉफिट में नहीं मिलेगा, आपको करना है तो पूरा कीजिए, छोटा मोटा लेके करने से कोई फायदा नहीं, इससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सोचते ही नहीं ऐसे, बहुत से लोग हैं जैसे आपसे सोचते ही नहीं है ऐसे। इसीलिए सोच बदलना पड़ेगा हम लोगों को, सोच तो पहले बदलना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारा लोग ऐसा है जो लोग क्या करता है, इसी दलदल में फंसते रहते हैं, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन, तीसरा लोन लेने के लिए अभी किसी बैंक से नहीं मिलता है तो क्या करता है, वो जो सूदखोर है, जो इलाका में महाजन है, उसके 20% ऐसे भी तो हुआ है मेरे साथ। तब क्या होता है, एक लोन के चक्कर में, उसका ईएमआई देने के चक्कर में, क्योंकि हम आम आदमी है, हम इंडियन नागरिक है, हम लोग कोई भी किसी को धोखा नहीं देना चाहते थे। इसी चक्कर में क्या है, हमके हम लोग तो बचपन से यही सोचते आए, यही हमको सिखाया गया कि जिसके पास से कुछ लिया है उसको देना है, नहीं दोगे तो चोर साबित हो जाओगे। यही साइकोलॉजी के चलते हुए क्या है, कुछ लोग है जो हमारा समाज में नामी गमी मतलब बहुत ही नाम जिसका शौहरत है, वो लोग इसी चीज का फायदा लेते हैं। वो खुद तो चोर है, खुद तो चीटिंगबाज है, खुद तो नेता है, पर आम आदमी के लिए ऐसा रूल फिट करता है ताकि आम आदमी सत होने के मतलब वो हॉनेस्ट है ऐसा दिखाने के चक्कर में क्या करता है, पूरा जिंदगी उसका घिस जाता है, वो कभी अमेरिका जो स्वाद है वो कभी चख नहीं पाता है। आदमी पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है और आने वाले दिनों में भी गरीब रहेगा, क्योंकि कि वो मतलब ऐसा रूल्स फॉलो कर रहा है जो कि दूसरों का सिखाया हुआ है। जो रूल वो अपने जिंदगी में लेता है वो उसको मतलब ऐसे दलदल राह में ले जाता है जहाँ पे उसको बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो यही होता है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम कीजिए, डर मन में नहीं रखिए, डर है तो आपको हार है, ये फाइनल बात है। डर मन में नहीं रखिए, डर होने से आपको हार होगा। आप अपने राह पे निकलिए, राह में चलते ही आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, अगर राह में आप रेड सिग्नल देके रुक ही गए तो आपको ग्रीन सिग्नल जिंदगी में नहीं दिखेगा। इसलिए राह रेड सिग्नल एक ना एक टाइम तो ग्रीन सिग्नल हो ही जाता है। हाँ, एक टाइम ग्रीन होगा ही। अपने जरूरत के हिसाब से लोन लीजिए, जितना मर्जी उतना लीजिए, हो सके कि आपका कोई फैक्ट्री है, कोई जमीन है, कोई दुकान है, तो मॉर्गेज लग के लिखिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा आदमी देखा गया कि 10,000 लोन लेता है, 1,00,000 लेता है, क्योंकि क्या, मॉर्गेज नहीं देना पड़ेगा। अरे मॉर्गेज लेना है तो लीजिए, बड़ा अमाउंट लीजिए,
थोड़ा अमाउंट लीजिए, आप जिंदगी में कुछ कीजिए, कौन है आपको रोकने वाला? कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ चले आइए, हम हैं सॉल्व करने के लिए, और टेंशन काहे का लेने का। सही है, ये दुनिया में इंडिया में कितना आदमी है जो मतलब लोन डिफॉल्टर है, बैंक क्या कर रहा है उसके खिलाफ? कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 10-20-1 लाख का जो लोन लेता है उनके ऊपर ही दादागिरी। तो अगर दादागिरी दिखा नहीं है, रिकवरी एजेंट का परफॉर्मेंस दिखा नहीं है तो दिखाओ ना, जो 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ लेके बैठा है, हम भी देखेंगे, हम भी तुमको सपोर्ट करेंगे। हम तो ऐसे कभी सोचते ही नहीं ना, इसलिए हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। सोच हम लोग आदर्शवादी होने चाहते हैं। देखिए, आदर्शवादी होना कोई बुरी बात नहीं है, वो होना चाहिए, पर जो तरीका, पहले खुद बचो फिर लॉयल्टी दिखाओ। हाँ, पहले खुद बचो फिर जो, देखिए वो लोग भी लोन लेता है, वो लोग भी, आप बैंक में जाएंगे तो आपको क्या करेगा, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, चक्कर काटेगा, आम आदमी परेशान हो जाएगा। वो लोग जाएंगे लोन लेने के लिए तो उन लोगों को चाय कॉफी खिलाएगा और करोड़ करोड़ रुपया मतलब जेब में दे देगा। एकदम सही, ऐसे तो देखिए, आम आदमी होना है या पावरफुल होना है, ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि अभी समय आ चुका है कि आम बन के जीना है या कुछ करके दिखाना है। अगर तुम में कुछ पावर है तो कुछ करके दिखाओ, अगर नहीं है तो आम बन के जियो, ट्रेन के धक्के खाओ, किसी की ऊपर वहाँ पे नौकरी करो, 10,000-5,000 में जिंदगी गुजारो। कि एक समाज का एक टाइप का लोग है, मान लो 5% या 10% लोग, जो पूरा 90% समाज को कंट्रोल कर रहा है, उन लोगों के लिए ना तो कोई रूल्स है, ना तो कोई पुलिस है, ना तो कोई कुछ है, बाकी 90% पिसते जा रहा है। ये देख के हमको बहुत खराब लगता है, इसीलिए उसके सपोर्ट में हम बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करना चाहते हैं, यही मेरा बात है।